हर हर महादेव। ये है मेरी यात्रा काशी विश्वनाथ की। ये एक्सपीरियंस शेयर करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, पर कुछ चीज़ें बतानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिनमें मुझे भी दिक्कत आई वहाँ पे। इसलिए मेरे पास जो भी क्लिप्स थी उसको यूज़ करते हुए मैंने ये एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। तो मैं इस छोटी सी वीडियो में आपको सभी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ दे देना चाहती हूँ। पहले मैं अपनी यात्रा के बारे में शॉर्ट में बता दूँ कि मुझे एक ही दिन में आना जाना दोनों करना था, इसलिए मैंने फ़्लाइट से जाने का डिसाइड करा और फ़्लाइट से गई मैं, जिसके लिए वाराणसी तक फ्लाइट से गई मैं और वहां से फिर मंदिर गए हम। केदारनाथ दर्शन के टाइम भी जब काफी दिक्कतें आई थी, तो मुझे अंदाजा नहीं था कि शायद ये हर ज्योतिर्लिंग के दर्शन में आएंगी। यहाँ पर भी काफी कुछ हो रहा था, हमारी फ्लाइट भी लेट हो गई थी, मुझे टेंशन थी कि एक दिन में ही आना जाना हो पाएगा या नहीं, क्योंकि जिस चक्कर में उन्हें फ्लाइट से जाने का डिसाइड करा तो अगर लेट हो जाएंगे तो वो मुश्किलें होंगी वहां पे। बट एज यूजुअल शिवजी ने परीक्षाओं में भी हेल्प करी ही। फ्लाइट 1-1.5 घंटे लेट हो गई थी, जिसकी वजह से हम लेट थे, लेकिन फिर भी सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज हो गया। एयरपोर्ट पे ही बहुत से ऑप्शंस होते हैं, तो हमने वहीं पे ब्रेकफास्ट किया और फिर वेट करा। फ्लाइट इज लेट। वैसे तो मुझे मेन जानकारियां मंदिर के बारे में देनी है, पर अगर आप फ्लाइट से जाते हो तो मैं एयरपोर्ट का भी थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आपको ये सभी ऑप्शंस मिल जाएंगे ऑटो और टैक्सी वगैरह के। तो अगर आप बुक करते हो मंदिर के लिए तो 500 से 800 में वो आपको मंदिर छोड़ देंगे, और अगर आप वाराणसी रेलवे स्टेशन से ऑटो वगैरह लेते हो तो वो 150-200 रुपये में आपको मंदिर छोड़ देंगे। हाँ, वो एग्जैक्टली मंदिर के बाहर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी रश होता है, तो आपको कुछ दूर तो पैदल जाना ही होगा। मंदिर पहुँचने के बाद यहाँ पर आपके बैग्स रखवा दिए जाएंगे, बैग्स, मोबाइल फोन्स। ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए 2-3 जगह से लाइन लगती है, सभी बहुत ज़्यादा लंबी लाइनें होती हैं। पर ये चीज़ मैं यहाँ पे इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि ये जो भी मैंने लाइन दिखाई थी वहाँ पर फोन यहीं से अलाउड नहीं है। लाइन में लगने से ही आपको पहले ही फोन रखवा देने होंगे, और पूरी लाइन में जो जिसमें आपको 2-3-4 कितने भी घंटे लग सकते हैं, पूरे टाइम आपके पास फोन नहीं होगा। लेकिन इस जगह पे कॉरिडोर की तरफ जो लाइंस हैं, यहाँ पे आप एटलीस्ट लाइन में फोन यूज कर सकते हो। यहाँ पर बस इतना रहेगा कि जब आप मंदिर पहुंचोगे, मतलब जो ये मंदिर का शिखर नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको अपने बैग्स या फिर फोन सबमिट करने होंगे। तो मुझे तो ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, क्योंकि जो लोग जा चुके थे वो भी शायद मेंशन नहीं कर पाए, और मैंने वीडियोस में भी ये कहीं नहीं सुना था। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, अगर आपको फ़ोन यूज़ करना है तो आप इस तरफ से लाइन लगाओ, क्योंकि बाकी सबकी तरह हमें भी आइडिया नहीं था। लाइन हमने वहीं लगाई तो वो 2-2.5 घंटे बहुत ही ज़्यादा लंबे लगे। इनफैक्ट मैं सोच रही थी, मुझे पता होता तो एटलीस्ट मैं कोई बुक ही लेके आ जाती, वो तो अलाउड होती ही, तो मैं लाइन में एटलीस्ट कुछ पढ़ लेती। बाकी एक दूसरा सजेशन है, अगर आप उसी तरफ से जहाँ पे फोन पहले ही सबमिट होते हैं वहीं से लाइन लगाते हो और वहीं पे दर्शन करके हमारी तरह बाद में यहाँ पे कॉरिडोर में आते हो, तो ये सभी घाट जरूर देखना। आपको काशी विश्वनाथ के लिए बजट और बाकी सभी चीज़ों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बहुत सी वीडियो में मिल जाएंगे, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट ही रखा है यहाँ पे, क्योंकि मुझे ये चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी लगी। अगर आपके पास टाइम कम है या फिर कोई बुजुर्ग लोग आपके साथ हैं तो आप VIP एंट्री के थ्रू भी दर्शन कर सकते हो, जिसके लिए उन्होंने 500-600 रुपये बोले थे। बाकी अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी जानना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो वंस अगेन, हर हर महादेव।